हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आधुनिक कला पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बंगाल शैली की शुरुआत की थी, जिसमें हमने बंगाल शैली के बारे में जाना, बंगाल शैली के कलाकारों के बारे में जाना। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बंगाल शैली के एक नए कलाकार की तरफ चलेंगे, जिनका नाम है देवी प्रसाद राय चौधरी। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हमारा आज का टॉपिक, देवी प्रसाद राय चौधरी। इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है 1899 में। ठीक है, इनका जन्म हुआ है 1899 में और इनकी मृत्यु कब हुई है? 1975 में। ठीक है, तो चलिए इनको, इनका ये किस शैली के कलाकार हैं? तो ये आपके बंगाल शैली के कलाकार हैं। किस शैली के? बंगाल शैली के कलाकार हैं। ठीक है, बंगाल शैली के। चलिए, इनका जन्म हुआ है, इनका जन्म हुआ है 15 जून किस सन में? 1899 को। ठीक है, कहाँ पर? ताजहाट में। ताजहाट आपका कहाँ है? बांग्लादेश में है। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई है? तो इनकी मृत्यु हुई है 15 अक्टूबर को सन 1975 को। कहाँ हुई है? कलकत्ता में हुई है। ठीक है, इनकी शिक्षा कहाँ हुई है? तो देवी प्रसाद राय की शिक्षा कलकत्ता कला विद्यालय में हुई है। ठीक है, इनके गुरु कौन है? इनके गुरु हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए अब ये सबको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म हुआ है 15 जून को। ठीक है, 15 जून को किस सन में? 1899 को। कहाँ पर? ताजहाट में। ये ताजहाट आपका है कहाँ? तो ये है बांग्लादेश में। तो इनका जन्म हुआ है ताजहाट बांग्लादेश में। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई है? इनकी मृत्यु हुई है 15 अक्टूबर को सन 1975 को। कहाँ हुई है? कलकत्ता में। तो आपसे पूछा जाएगा कि देवी प्रसाद राय चौधरी की मृत्यु कब हुई है, तो आप बताएंगे कब हुई है? 1975 में हुई है, मगर कहाँ हुई है? तो कलकत्ता में हुई है। ठीक, देवी प्रसाद राय चौधरी की शिक्षा कहाँ हुई है? इनकी शिक्षा हुई है कलकत्ता कला विद्यालय में। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। अभी आपने पढ़ा रामकिंकर बैच के गुरु अवनो बिहारी मुखर्जी के गुरु कौन थे? नंदलाल बसु थे। देवी प्रसाद राय चौधरी के गुरु कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया इनको? तो इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 1958 में। ठीक है, किसने किया? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है, व्यवसाय से ये क्या हैं? एक मूर्तिकार हैं और चित्रकार हैं। कौन? देवी प्रसाद राय चौधरी। ठीक, इनके चित्रण की शैली क्या थी? तो इनके चित्रण की शैली यथार्थवादी शैली थी। ठीक, तो चलिए जानते हैं इनको कब पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो 1958 में किया गया। ठीक है, और किसने सम्मानित किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि देवी प्रसाद राय चौधरी को निम्न में से किससे सम्मानित किया गया, तो आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, तो आप किसको टिक मारेंगे? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया इनको। ठीक है, चलिए व्यवसाय से ये क्या थे? तो देवी प्रसाद राय चौधरी एक मूर्तिकार भी थे और एक चित्रकार भी थे। ठीक, यानी इन्होंने मूर्तियों का निर्माण भी किया, चित्रकारी भी की है। ठीक, इनकी चित्रण की शैली क्या है? इनके चित्रण की शैली है यथार्थवादी शैली। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है और व्यवसाय इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से सिर्फ आपसे ये पूछता है कि इनको किन किन से सम्मानित किया गया, तो आप क्या जवाब देंगे? सिर्फ पद्म विभूषण। ठीक है, चलिए शिल्पकला का अध्ययन हिरण्यम राय चौधरी के निर्देशन में सीखा। ठीक है, तो किसने शिल्पकला का अध्ययन इन्होंने किससे सीखा है? तो वो सीखा है हिरण्यम राय चौधरी से। ठीक, किससे? हिरण्यम राय चौधरी से। शिल्पकला का अध्ययन हिरण्यम राय चौधरी के निर्देशन में सीखा इन्होंने। ठीक है, चलिए फ्रांस के प्रभाववादी मूर्तिकार रोदिन से प्रभावित थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि देवी प्रसाद राय चौधरी किस मूर्तिकार से प्रभावित थे? तो आप कहेंगे रोदिन से। किस प्रभाववादी मूर्तिकार से प्रभावित थे? तो आप क्या कहेंगे? रोदिन से। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मिट्टी प्लास्टर एवं धातु की मूर्तियां बनाते थे कौन? वो आपसे पूछा जा सकता है कि देवी प्रसाद राय चौधरी किस किस माध्यम में मूर्तियां बनाते थे? तो आप कहेंगे मिट्टी की मूर्ति बनाते थे, प्लास्टर की मूर्ति बनाते थे और धातु की मूर्तियां बनाते थे। ठीक है,
ये क्या क्या थे? तो योग्यता में अगर देखा जाए तो ये दक्ष निशानेबाज यानी बहुत अच्छे निशानेबाज थे, कुश्तीबाज भी थे, संगीतज्ञ भी थे, नाविक भी थे, शिकारी भी थे, कुशल शिल्पी भी थे, मूर्तिकार भी थे, तो चित्रकार। तो सबसे पहले तो इन दोनों को इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, ये दोनों पॉइंट्स आपके इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। कभी कोई पूछ देता है कि देवप्रसाद राय चौधरी की मूर्तियों का माध्यम क्या था, तो आप कहेंगे मिट्टी थी, प्लास्टर था और धातु थी। और इनकी योग्यता ये क्या क्या थे? तो ये दक्षिण निशानेबाज थे, कुश्तीबाज थे, संगीतज्ञ थे, नाविक थे, शिकारी थे और कुशल शिल्पी थे, मूर्तिकार थे और चित्रकार थे। ठीक है, देवी प्रसाद राय चौधरी मूर्ति कलाकार के रूप में विख्यात हुए। ठीक है, किसके? मूर्ति कलाकार के रूप में बने विख्यात हुए यानी मूर्तिकार के रूप में इनकी ख्याति हुई। ठीक, प्रारंभ में किससे इन्होंने सीखा था? तो दादा रन्नम राय चौधरी से मूर्ति कला की शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, तो देवी प्रसाद राय चौधरी ने मूर्ति कला की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो अपने दादा रन्नम राय चौधरी से प्राप्त की थी। देवी प्रसाद राय को किस रूप में विख्यात प्रसिद्धि प्राप्त हुई? तो मूर्तिकार के रूप में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। साम्यवादी विचार होने के कारण निम्न वर्ग के संघर्ष पूरे मजदूरवादी से संबंधित चित्रण किया। ठीक है, साम्यवादी विचार के होने के कारण इन्होंने क्या किया? निम्न वर्ग के जो संघर्षपूर्ण और मजदूरवादी से संबंधित चित्रण किया, यानी जो इन्होंने निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनका क्या संघर्ष रहता है उससे संबंधित चित्रण किया और मजदूरों के चित्रण किए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चौधरी द्वारा कांस्य से निर्मित, कौन किससे बनाई गई? कांसे से बनाई गई है। कौन सी लेवर एटवर्क मूर्ति कहाँ पर है? आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में संरक्षित है। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो चौधरी ने किस माध्यम में बनाई थी? कांस्य माध्यम में बनाई थी। कौन सी? लेवर एटवर्क मूर्ति। ठीक है, और ये है कहाँ? तो ये आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में संरक्षित है। ठीक है, तो इसको तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। बहुत पूछा गया आपके एग्ज़ाम में कि लेवर एटवर्क मूर्ति किसकी है, तो आप कहेंगे देवी प्रसाद राय चौधरी की है। किस माध्यम में बनाई गई है? तो ये कांस्य माध्यम में बनाई गई है। ठीक, कहाँ संग्रहित है? तो आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में संग्रहित है। ठीक, चौधरी द्वारा कांस्य निर्मित स्वतंत्रता स्मारक मूर्ति कहाँ पर? पटना में स्थित है। ठीक, तो इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे। इनकी जो मूर्तियाँ हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए, तो चौधरी द्वारा किस माध्यम में? कांसे द्वारा बनाई गई कौन सी स्वतंत्रता स्मारक मूर्ति कहाँ संग्रहित है? पटना में स्थित है। ठीक, यानी स्थित है, संग्रहित नहीं है, स्थित है वहाँ पर। ठीक, तो स्वतंत्रता स्मारक मूर्ति किस माध्यम में बनाई गई है? तो ये कांस्य माध्यम में बनाई गई है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। श्रम की विजय, कौन सी है इनकी? श्रम की विजय, इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है, श्रम की विजय किस माध्यम में? कांस्य माध्यम में है। ठीक, और ये कहाँ पर? मरीना बीच चेन्नई में स्थित है। ठीक, तो श्रम की विजय नामक मूर्ति किसकी है? तो आप कहेंगे देवी प्रसाद राय चौधरी के। किस माध्यम में बनाई गई है? तो ये कांस्य माध्यम में बनाई गई। ये कहाँ संग्रहित है? तो ये मरीना बीच में संग्रहित है। मरीना बीच आपका कहाँ है? चेन्नई में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारी देवी प्रसाद राय चौधरी की अब कुछ प्रमुख मूर्तियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इनकी प्रमुख मूर्तियों कौन है? जब शीत ऋतु आती है, क्या आती है? शीत ऋतु आती है। ठीक, सड़क बनाने वाला, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है, सड़क बनाने वाला, ये कहाँ है इनकी मूर्ति? ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ठीक, और ये किस माध्यम से बनी है? ये प्लास्टर माध्यम से। अभी तक आपने जितनी पढ़ी वो सारी कांसे से बनी हुई थी, ये किस माध्यम से बनी हुई है? प्लास्टर से। स्नान करती हुई नारी, ठीक है, अंतिम प्रहार, ध्वंस देवता, भूख से पीड़ित, लय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, सी आर रेड्डी। ठीक है, तो चलिए इनकी मूर्तियों को एक बार फिर से देख लेते हैं। इनकी प्रमुख मूर्तियां कौन कौन सी हैं? जब शीत ऋतु आती है, ठीक, सड़क बनाने वाला। देखिए, मूर्तियां भी बहुत हैं, चित्र भी बहुत हैं, हमें सिर्फ वो पढ़ने हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो हम वही मूर्तियां जानेंगे। ठीक, सड़क बनाने वाला, स्नान करती हुई नारी, अंतिम प्रहार, ध्वंस देवता, भूख से पीड़ित, एनी बेसेंट।
तो अगला चित्र है स्नान करती हुई नारी, ठीक है। अंतिम प्रहार, ध्वंस देवता, भूख से पीड़ित, लय एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू और सी आर रेड्डी। तो ये आपकी हो गई प्रमुख मूर्तियाँ, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। देव प्रसाद राय चौधरी यथार्थवाद शैली के क्या थे? चित्रकार थे। क्या थे? चित्रकार, ठीक है। प्रारंभ में इन्होंने किस तकनीक से, वॉस तकनीक से क्या किया? पौराणिक विषयों पर चित्र बनाए, ठीक। किस पर? पौराणिक विषयों पर चित्र बनाए थे, ठीक। विषयों पर चित्र बनाए तो देवी प्रसाद राय चौधरी किस शैली कलाकार थे? यथार्थवादी शैली के, ठीक। ये क्या थे? एक चित्रकार थे, ठीक। चित्रकार थे। प्रारंभ में इन्होंने किस तकनीक से, वॉस तकनीक से क्या किया? पौराणिक विषयों पर चित्र बनाए। देवी प्रसाद राय चौधरी यथार्थवादी शैली के चित्रकार थे, ठीक है। इन्होंने प्रारंभ में किस तकनीक से, वॉस तकनीक से पौराणिक विषयों पर चित्र बनाए। किस पे? पौराणिक विषयों पर चित्र बनाए थे, ठीक। चौधरी ने तैल चित्रण की शिक्षा किससे, तैल चित्रण की शिक्षा किससे? इटालियन कलाकार बोइस से सीखा था, ठीक। किसने? देव प्रसाद राय चौधरी ने तैल चित्रण की शिक्षा किससे? इटालियन कलाकार बोइस से सीखा था, ठीक। तो चौधरी ने तैल चित्रण की शिक्षा इटालियन किससे प्राप्त की थी? तो इटालियन कलाकार बोइस से प्राप्त की थी, ठीक। इनका उत्कृष्ट चित्र कौन सा है? तो इनका उत्कृष्ट चित्र है मुसाफिर, ठीक है। उत्कृष्ट चित्र कौन सा हो गया? मुसाफिर, ठीक है। तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे और इनके यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे कि आपसे विषय पूछा जा सकता है, ठीक। तो और ये इम्पोर्टेंट है कि किससे सीखी, तो आप बताएंगे इटालियन कलाकार बोइस से सीखी, ठीक। देवी प्रसाद राय चौधरी मद्रास राजकीय कला विद्यालय के क्या थे? प्रधानाचार्य थे, ठीक। कब थे? 1929 ईस्वी में थे, ठीक। तो देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रधानाचार्य थे? मद्रास राजकीय कला विद्यालय के, ठीक। क्या थे? प्रधानाचार्य थे। कब? 1929 ईस्वी में, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, चौधरी यूनेस्को द्वारा जापान के टोक्यो नगर में, यूनेस्को द्वारा जापान के टोक्यो नगर में कला गोष्ठी की अध्यक्षता 1954 AD में किए थे, ठीक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि देवी प्रसाद राय चौधरी ने कला गोष्ठी की अध्यक्षता कहाँ पर की? तो आप कहेंगे यूनेस्को द्वारा भेजा गया था, कहाँ पर? जापान के टोक्यो नगर में, ठीक है, ठीक। तो वहाँ की इन्होंने अध्यक्षता की थी, किसकी? कला गोष्ठी की। कब? 1954 में, ठीक। इनके चित्रों का मुख्य विषय क्या है? तो इनके चित्रों का मुख्य विषय है पहाड़ी जीवन और मछुआरों से संबंधित इनके चित्र थे, ठीक। तो देवी प्रसाद राय चौधरी के चित्रों का मुख्य विषय क्या है? पहाड़ी जीवन है और मछुआरों से संबंधित चित्र हैं, ठीक है। इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? इनके प्रमुख चित्र हैं मुसाफिर, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये इनका उत्कृष्ट चित्र भी था। खतरनाक रास्ता, तूफान, निर्माण, आंधी के बाद, महल की गुड़िया, कौतूहल, जीवन, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका मुसाफिर हो गया, ठीक। और क्या हो गया? खतरनाक रास्ता, तूफान, निर्माण, आंधी के बाद, महल की गुड़िया, कौतूहल, जीवन। मैं आपको जितने भी मूर्तियाँ या फिर चित्र बता रही हूँ वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही बता रही हूँ। देखने को तो बहुत सारे हैं इनके, मगर हमें सिर्फ वही जानने जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारा ज्योति, इनका चित्र है कौन सा? ज्योति, नेपाली लड़की, ये इनका इम्पोर्टेंट चित्र है। लेपचा कुमारी, तिब्बती बालिका, दुर्गा पूजा, ये इनका किस माध्यम से? तैल रंग से बना हुआ है। स्नान का घाट, भूटिया औरत और आरती, ठीक। तो ज्योति हो गया, नेपाली लड़की हो गया, लेपचा कुमारी हो गया, तिब्बती बालिका हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, स्नान का घाट हो गया, भूटिया औरत हो गई और आरती हो गई, ठीक। जगदीश चंद्र बोस, पर्सी ब्राउन, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ओसी गांगुली, एनी बेसेंट आदि के इन्होंने क्या बनाए थे? अपाक्ष शिल्प बनाए थे। किसने? देवी प्रसाद राय चौधरी ने जगदीश चंद्र बसु के, ठीक, पर्सी ब्राउन के, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ओसी गांगुली, एनी बेसेंट आदि के क्या बनाए थे? अपाक्ष शिल्प बनाए थे, क्योंकि ये मूर्तिकार थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये देवी प्रसाद राय चौधरी अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है।
जितना मैंने आपको पढ़ाया आप उतना बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इनकी मूर्तियाँ अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।